हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डियर जिंदगी। आज महाबलीपुरम में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के अध्यक्ष शी जिनपिंग एक दूसरे के साथ मिले और एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। चलो इस वीडियो में हम उस घटना का और उसके परिणामों का विश्लेषण करते हैं। देखते रहिए डियर जिंदगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय डियर जिंदगी शो। शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, आपके कमेंट्स हो तो यू आर वेलकम, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, और हाँ बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज एशिया के दो बाहुबली महाबली, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के अध्यक्ष शी जिनपिंग एक दूसरे से मिले, एक ऐतिहासिक घटना जो महाभारत कालीन एक हेरिटेज साइट है महाबलीपुरम तमिलनाडु की, वहाँ पर इनकी भेंट हुई। बहुत ही बड़ी घटना मानी जाती है क्योंकि लगभग सारी दुनिया का ध्यान इस घटना पर है। अब महाबलीपुरम में ये जो हमारे प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग इनकी जो भेंट हुई और उसके जो वीडियोस न्यूज़ चैनल पे और टीवी पे मैंने देखे, तब मुझे मूवी कर्मा की याद आई। मूवी कर्मा जिसमें दिलीप कुमार, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, नसरुद्दीन शाह ने काम किया था और डॉक्टर डैंग के कैरेक्टर में थे अनुपम खेर। और उसमें एक डायलॉग है जब दिलीप कुमार अनुपम खेर को जेल में डाल देता है और वो उसे मिलने जाता है और उसे एक थप्पड़ भी मारता है, ओके। तब डॉक्टर डैंग का एक डायलॉग था कि राणा विश्व प्रताप सिंह, डॉक्टर डैंग क्रिएट्स वॉर। डैंग को आज किसी ने पहली बार थप्पड़ मारी है, इसकी गूंज तुमने सुनी, इस गूंज की गूंज अब तुम्हें सुनाई देगी, जब तक जिंदा रहोगे सुनाई देगी, ये थप्पड़ मुझे भूलिएगा नहीं राणा। ये डायलॉग मुझे इसलिए याद आया कि अभी अभी यूनो में, और जब हमारा आर्टिकल 370 जब हम लोग ने हटा दिया था, तब सारी दुनिया एक तरफ थी और पाकिस्तान का साथ सिर्फ और सिर्फ चाइना दे रहा था, और हर जगह पे पूरे वर्ल्ड के सामने भारत ने चाइना को नंगा कर दिया था कि वो टेररिस्ट को फंडिंग कर रहे हैं, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और जब आज शी जिनपिंग हमारे प्रधानमंत्री से बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उसी वक्त वहाँ पे चाइना ने दिए हुए मिसाइल्स की लॉन्चिंग और टेस्टिंग पाकिस्तान कर रहा है, शायद वो आज करेगा या कल करेगा। यही नहीं कि इसी वक्त चाइना ने 7 to 8 न्यूक्लियर सबमरीन्स, 50 के आसपास ड्रोन्स, 46 to 50 के आसपास फाइटर प्लेन्स जो चाइना ने खुद के लिए बनाए थे, अब वो पाकिस्तान दावा कर रहा है कि वो उनके ही है, उन्होंने ही बनाए, लेकिन नहीं, वो चाइना ने बनाए हुए हैं, प्लस कुछ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और तोहफे चाइना ने पाकिस्तान को फंड की है, दी है, और उसकी टेस्टिंग पाकिस्तान उसी वक्त कर रहा है जब शी जिनपिंग यहाँ आए हुए हैं। सब जगह पे अगर आप टीवी चैनल्स देखोगे तो सब जगह पे हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे हैं। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसी प्रकार के नारे चाइना वॉर से पहले भी लगाए गए थे। अब डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि यहाँ बेवकूफ़ नेहरू खानदान सत्ता में नहीं है, अब मुकाबला है आरएसएस जैसे कट्टर देशभक्त संगठन से, और कट्टर देशभक्त और दुनिया के नंबर एक के जो आज के लीडर माने जाते हैं वो नरेंद्र मोदी जी से उनका सामना है। पाकिस्तान और चाइना के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एक भिखारी कंट्री है, वो तो आपको पता है, उनकी औकात ही नहीं है सामने वॉर करने की, इसलिए वो दहशतवादी जो आतंकवादी भेजता है, जो टेरर इवेंट्स वगैरह करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम सामने के वॉर में टिक ही नहीं सकते। फिर भी प्राचीन काल से आज तक पूरी दुनिया में चाइना को कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं बोलता, खुद चाइनीज लोग भी परेशान है चाइना से।
चाइना मेरे ख्याल से पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक दुश्मन या दोस्त ये चाइना है। ऐसे ही हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाकर चाइना ने हम पर अटैक किया था। अरुणाचल प्रदेश, आपको तो पता है जो वॉर नेहरू और जो कृष्णन मेनन थे उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से हम हार गए थे, उस टाइम भी ऐसे ही नारे लगे थे। आज कंडीशंस कुछ अलग हैं, उस वक्त का भारत और आज का भारत, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फर्क है। फिर भी एक चीज़ कही जा सकती है कि आज जो मैंने टीवी पर देखा, जो इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज, एक दूसरे के साथ बात करते समय जो केमिस्ट्री थी वो ज़बरदस्त थी। कहीं भी आज से पहले कहीं भी, मतलब जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और दूसरे प्राइम मिनिस्टर चाइना विजिट करते थे और चाइनीज़ यहाँ पे आते थे, तब एक मीटिंग बहुत ऑफिशियल होती थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज और बात करने का तरीका और ट्रांसलेटर्स और जो उनके ऑफिसर्स होते हैं उनसे घिरे हुए जो रहते थे, बहुत ही ऑफिशियल ऐसे जकड़ जकड़ कर मीटिंग्स होती थी। लेकिन आज जो मैंने देखा वो बहुत ही खुले वातावरण में और बहुत ही अलग ही तरीके से, जैसे दो बहुत ही बिछड़े हुए दोस्त एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, उस तरह से ये मीटिंग हुई। ये एक अच्छी बात है। यहाँ जो सामना है वो दो इक्विवेलेंट पॉलिटिशियंस में है और दो धुरंधर पॉलिटिशियंस में है। शी जिनपिंग, जिनकी ये लास्ट टर्म है और कुछ भी करके उन्हें अपना कोई आदमी वहाँ ला के बिठाना है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, और जहाँ नरेंद्र मोदी है जिन्हें भारत को महासत्ता बनाना है, सुपर पावर बनाना है। अब यहाँ पे जब हम लोग डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, तब दो तीन मुद्दे यहाँ पे ऐसे आते हैं। सबसे पहली बात, अमेरिका के साथ चाइना का जो वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर जो चल रहा है, अब चाइना को ज़रूरत है भारत की, क्योंकि हमारे यहाँ की जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ परचेसर्स है जो चाइना के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उनकी, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना तो कोई किसी का दोस्त होता है ना तो कोई किसी का दुश्मन। तीसरी बात, चाइना पाकिस्तान को बिल्कुल भाव नहीं देती। पाकिस्तान की औकात चाइना के लिए एक ऐसे भिखारी जैसी है जिसके पास ज़मीन का टुकड़ा तो है, ज़मीन तो है, लेकिन उसे संभालने की, एक सुई भी बनाने की औकात जिसमें नहीं है। चौथी बात, सीपेक प्रोजेक्ट में $100 बिलियन ऑलरेडी चाइना के घुसे हुए हैं और भारत के सहयोग के बिना वो अब नहीं निकल सकते वहाँ से कभी भी। इसलिए चाइना हमारे साथ मीठी मीठी बातें कर रहा है, ये एक सीधी सीधी बात है। अब पता नहीं कि आज के मीटिंग में क्या बात हुई, टेररिज्म और ये मुस्लिम के बारे में। मैंने कहा कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त बिल्कुल नहीं है, उसके लिए पाकिस्तान एक ऐसा कस्टमर है कि जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन गिरवी रखने के लिए ज़मीन है। पाकिस्तान में आज भी चाइना की करेंसी चलती है, एज ए लोकल करेंसी चलती है, एक चाइना का एक प्रोविंस करके ही पाकिस्तान का वजूद आज इस दुनिया में है, वो वैसा ही है। तो चाइना लॉस में नहीं है, उसने उनको फ्री में कोई भी हथियार वितियार नहीं दिए हैं, उसके बदले में चाइना उनके पास से पाकिस्तान की बहुत बड़ी ज़मीन का हिस्सा लेने के चक्कर में है, क्योंकि उनको अरेबियन सी में एक परमानेंट पोर्ट चाहिए जहां से वो पूरा मटेरियल चाइना लेके जा सके। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि चाइना को भी पता है कि भारत में कांग्रेस नहीं है, एक पेट्रियोटिक सरकार है भारत में, देशभक्त सरकार है, जिनको शेंडी लगाना, चुतिया बनाना बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है, और वो भी ऐसे लीडर के साथ कि जो अब दुनिया का एक जाना माना पॉलिटिशियन और एक ब्रिलियंट आदमी माना जाता है, उनके सामने ये सब चीज़ें नहीं चलने वाली। चाइना पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, ये मैंने इसलिए कहा कि चाइना ने खुद ने अपने वेस्टर्न प्रोविंस में, जैसे हिटलर के टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जो बनते थे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, वैसे मुस्लिमों को वहाँ पे रखा है। उनको किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं है, ना तो वो वहाँ मस्जिदें बना सकते हैं, ना तो रोड ब्लॉक कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और चाइना का जो इलीगल ऑर्गन ट्रेड जो चलता है, चाइना की आबादी को जो ऑर्गन ट्रेड्स जो चलता है, वो
सरेआम चाइना की आर्मी या वहाँ के जो एक्टिविस्ट है वो वहाँ जाके मुस्लिमों को ऑपरेशन करके निकाल के लेके आते हैं, सीधा सीधा उनकी हालत ज्यूइश कॉन्सेंट्रेशन कैंप से भी बदतर की है। तो चाइना को मुस्लिम कम्युनिटी से कोई लगाव नहीं है, ना तो पाकिस्तान से है। जैसा मैंने कहा कि हर कंट्री सिर्फ अपना भला देखेगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज जरा देखते हैं कि इनकी जो एक केमिस्ट्री जो देखी आज वो एक जबरदस्त थी। ऐसा लगा कि शी जिनपिंग पाकिस्तान को टांग मार के जल्दी ही इंडिया के साइड में आने वाले हैं। ऐसा जब ये सब वीडियोस जब देख रहे थे तब तो ऐसा ही लगा, क्योंकि मोदी जी उनको एक्सप्लेन कर रहे थे। और आप देखेंगे मोदी जी ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है और शी जिनपिंग भी उनके फॉर्मल अटायर में नहीं है, जैसा उनका प्रोटोकॉल होता है वैसे अटायर में नहीं है। बहुत ही नॉर्मल उनका जो डिस्कशन जो चल रहा था वो बहुत ही नॉर्मल, और बहुत ही दो बहुत पुराने दोस्त मिल रहे ऐसा उनका ये पूरा डिस्कशन चल रहा था। आप देख सकते हैं कि मोदी जी ने सब बहुत ही शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया था, डांस प्रोग्राम्स और बहुत सबकी सैर करवाई, वहाँ की जो हेरिटेज साइट है उसकी सैर करवाई, उनसे बातें की। लेकिन एक्चुअल बातें जो है वो कल होगी, जहाँ पे हमारे जो डिप्लोमेट्स है वो एक दूसरे के साथ बातें करेंगे। तब क्या हो सकता है, मतलब चाइना का ये जो विजिट है उसमें से क्या आउटकम निकलेगा, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। नॉट एवरी वन इज थ्रिल्ड। हम लोगों को जो नॉर्मल आदमी है, सामान्य नागरिक भारत के हैं, उन्हें तो बहुत खुशी हुई। लेकिन जो पुराने नागरिक है उनको याद आई कि ऐसे ही हिंदी चीनी भाई भाई कह के चाइना ने अटैक किया था इंडिया पर, और आज भी वही हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे हैं। उसके बाद आज का ये जो मुद्दा जो मैं बोलने वाला हूँ, वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा निकला कि अगर अमेरिका चाइना पर ट्रेड के सारे निर्बंध डाल सकती है, उनका वॉर चल रहा है ट्रेड वॉर, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकती। और इंडिया ये अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इंडिया भी ये करे, क्योंकि रशिया ने उनके ऊपर निर्बंध डाले हुए हैं, अमेरिका ने डाले हुए हैं, कई यूरोपियन कंट्रीज ने डाले हुए, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकती। दूसरी बात, लोग ये कहते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट्स ही बैन कर देनी चाहिए गवर्नमेंट ने। पहला जो सवाल है कि इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज प्रोडक्ट को बैन क्यों नहीं करती। एक बात आप ठीक तरह से समझ लो कि हेवी इंजीनियरिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के लिए इंडिया पूरी तरह से, इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड पूरी तरह से चाइना पे डिपेंड है। दूसरी बात यह है कि इंडिया आज सुपर पावर नहीं है। अमेरिका ये कर सकती है क्योंकि वो एक अमीर कंट्री है, भले उनका कर्जा कितना भी होने दो, लेकिन वो एक पावरफुल अमीर कंट्री है, सुपर पावर है, वर्ल्ड नंबर वन कंट्री है, वो ये कर सकती है। लेकिन हम अभी तक उस स्टेज तक नहीं पहुंचे कि हम खुलेआम उनको बैन कर दें, क्योंकि हम भी बहुत इंडिया के ऊपर डिपेंड है। नॉर्मल लोग कहते हैं कि नॉर्मल लोगों की जो सोच है वो सिर्फ अपने दिवाली के लाइटिंग और खिलौने उतने तक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में भी हेवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके लिए हम चाइना पर डिपेंड है, हम डायरेक्टली बैन नहीं कर सकते उन्हें, क्योंकि अगर हमने निर्बंध डाल दिए तो चाइना भी निर्बंध डाल देगा। तीसरी बात यह है कि एक बार आपकी इकोनॉमी ओपन हो गई, वर्ल्ड इकोनॉमी ओपन हो गई, जो हम लोग ने गेट्स एंड डंकन करार जो किए है उससे ओपन हो गई, तो उसके बाद हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। ये कोई कॉलेज का कैंटीन का वॉर नहीं चल रहा है, यहाँ पे दो कंट्रीज़ के बीच में और दो सुपर पावर्स, एक सुपर पावर होने जा रही है कंट्री और एक सुपर पावर है, उनके बीच में ये ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो बीच में 2014 के इलेक्शन के टाइम या इलेक्शन के बाद, 2014 के इलेक्शन के बाद मोदी जी ने ऐसे ही बात निकली थी कि चाइना प्रोडक्ट्स को बैन कर देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तभी एक मीटिंग ने मोदी जी ने भी कहा था कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती लेकिन लोग कर सकते हैं। तभी उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि हम हर एक चीज़ बैन ना कर सके। आज बहुत सारी चीज़ें मेड इन चाइना आ रही है। लैपटॉप के बारे में अगर आपने देखा होगा तो पहले लैपटॉप बहुत सारी कंपनियां चाइनीज थी, लेकिन अभी लैपटॉप के ऊपर डेल और अलग अलग लैपटॉप पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ रहता है। तो लैपटॉप
धीरे धीरे वहां से बाहर, धीरे धीरे हम एक 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 कॉम्पोनेंट और एक 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 सेक्टर से उनके प्रभाव से बाहर आ रहे हैं। और अगर हमने अभी कोई बड़ा कदम उठाया गवर्नमेंट ने, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है हमारे डेवलपमेंट में। लेकिन लोग ये कर सकते हैं और ऐसा किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान को आर्मी रखने की परमिशन नहीं है, अमेरिका संभालती है। लेकिन जापान का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो ज़बरदस्त है, लेकिन जापान बहुत कम चीज़ें इंपोर्ट करती है अमेरिका से। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट से, ट्रेड का जो इम्बैलेंस है, उसके ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आवाज़ उठाई थी। जब चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे गए थे, तभी उन्होंने कहा कि ये डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो हमारे मार्केट में डंप कर रहे हो, लेकिन अमेरिका का मटेरियल आप जापानीज मार्केट में नहीं ला रहे हो। एट दैट टाइम जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमने, गवर्नमेंट ने कोई रोक लगाई नहीं है, आप अगर चाहो तो हमारे पूरा मार्केट अमेरिकन मटेरियल से भर दो, इम्पोर्ट को कोई बैन नहीं है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसा जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी जापानीज नागरिक, कोई भी जापानीज आदमी मेड इन जापान के अलावा कोई भी दूसरी चीज़ यूज़ नहीं करेगा। तो अगर आप ये सब भेजोगे तो घाटा आपका ही है, इसलिए घाटा मत लीजिए और मत भेजिए। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई बैन नहीं लगाई, हमारी गवर्नमेंट कोई भी प्रोडक्ट को बैन नहीं कर सकती, कोई किसी भी कंपनी को बैन नहीं कर सकती, लेकिन लोग कर सकते हैं। लोगों ने अगर चाइनीज़, जिसको हमारे पास पर्याय है वो अगर हमने लेना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली जब डिमांड कम हो जाएगी तब व्यापारी संघ जो है वो इम्पोर्ट भी कम कर देगा और ये सारी चीज़ें तब हो जाएगी। डायरेक्ट व्यापारी संघ भी ये नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर चाइना ने प्रेशराइज किया तो गवर्नमेंट व्यापारी संघों को प्रेशराइज कर सकती है इंपोर्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो ये अब हमारे हाथ में है। तो जब भी ऐसे कोई इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, आज पूरी दुनिया, अब पाकिस्तान की तो पूरी फट चुकी है, वो लोग तो इतना रो रहे हैं कि अब चाइना भी हमारे साथ नहीं रहा, अब हम अकेले पड़ गए हैं, अब हम क्या करें, ये सब रोना रो रहा है पाकिस्तान, और पूरी दुनिया की नज़र है। और इस भेंट से अमेरिका भी कोई विशेष खुश नहीं है। लेकिन जिस तरह से चाइना एक नंबर की हरामी कंट्री है, उसी तरह से अमेरिका भी दो नंबर की हरामी कंट्री है। अमेरिका भी सिर्फ खुद का स्वार्थ देखती है। यही अमेरिका आज जो जोर जोर से इंडिया से गले लग रही है, उन्हें भी हमारी जो मार्केट है वही चाहिए। वो भी एक नीच कंट्री ही है, अमेरिका भी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। सिर्फ एक ही कंट्री है रशिया, जो हर वक्त पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर भी इंडिया के साइड से खड़ी रही है। और आपने वो काम इतना साइलेंटली होता है कि आपने कभी पुतिन को इस तरह से ताक झाक करते हुए देखा नहीं होगा, क्योंकि वो इतने साइलेंटली होता है सब कुछ कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कब पुतिन आके गए और क्या क्या रशिया ने हमें दिया और हमारे बीच में क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए। तो जब आप इस प्रकार के, और ये ज़रूरी है, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी की अवस्था ऐसी हो गई है कि वो शेर के ऊपर चढ़ गए हैं। एक ही समय में उन्हें अमेरिका को भी संभालना है, चाइना को भी संभालना है और रशिया को भी संभालना है, क्योंकि चाइना, रशिया, अमेरिका ये तीनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तो रशिया भी बहुत खुश नहीं है, लेकिन रशिया हमेशा भारत के साथ में ही था और साथ में ही रहेगा। उन्होंने बहुत ही नॉर्मल प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अमेरिका ने इमीडिएटली कहा कि हमारा ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना से और आप लोग जाके चाइना के गले मिल रहे हो। मोदी जी ने कहा दैट इज़ ऑल टोटल अवर चॉइस, हमारा चॉइस है हम क्या करें और क्या नहीं, दूसरे किसी देश को हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन अब तो मोदी जी शेर के ऊपर सवार तो हो गए हैं, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट जो इंटेलिजेंस और जो स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिखाई है, वो 100% ये तीनों चारों कंट्रीज़ को सक्सेसफुली
एंड 100% हमारी साइड से जरूर हैंडल करोगे, जरूर हैंडल करेंगे 100%. दैट इज व्हाट आई फील. सो फ्रेंड्स, यू ऑल्सो टेल मी इन योर कॉमेंट्स. आप भी बताइए कॉमेंट्स में कि आपको इस भेंट के बारे में क्या लगता है. मुझे तो लगता है कि ये चाइना को इम्प्रेस करने वाला एक शो है, ज़्यादा कुछ इसमें से होने वाला नहीं है. अगर हुआ तो भी वो इंडिया के साइड से ही होगा, लेकिन बहुत कुछ यहाँ से हमें मिलने वाला है नहीं. लेकिन ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में खेली जाने वाली चाल है, जहाँ पे अमेरिका, रशिया, चाइना, ये तीनों सुपर पावर्स इन्वॉल्व हैं. तो देखेंगे हम कि आगे क्या होता है. आपको इसके बारे में क्या लगता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. आई जस्ट वॉन्ट टू रीड योर कॉमेंट्स ऑल्सो. सो जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो. और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा. तो ऐसे ही अलग अलग इश्यूज़ पे हम डिस्कस करते रहेंगे मेरी डियर जिंदगी शो में. तो थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई डियर जिंदगी. हैव अ नाइस डे.